शिवपुरी पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3,48,90,000 रुपए की चरस बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। शिवपुरी जिले की कोलारस थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3,48,90,000 रुपए की चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में SP अमन सिंह राठौर ने इसकी जानकारी दी। सुनिए क्या कहा SP अमन सिंह राठौर ने। कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अंतर्राज्यीय तस्कर जो हैं बिहार से हशीश या चरस जिसे आप कहते हैं गांजी का प्योरिफाइड फॉर्म होता है उसको लेकर के डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद में कोलारस थाना की टीम के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया, पूछताछ की गई, तलाशी उनकी ली गई। उसमें कुल 17 किलोग्राम और 445 ग्राम जिसकी मार्केट वैल्यू 3,48,90,000 रुपये है जब्त किया गया है। उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सुनील कुमार है, बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी। दूसरा आरोपी अवधेश प्रसाद है, हाल में बिहार मोतिहारी में निवासरत है, रहने वाला नेपाल का है, इसके रिश्तेदारी है बिहार में। तीसरी एक महिला है बबीता देवी। तीनों से अलग अलग पैकेट मिले हैं, 2 लोगों से 12 पैकेट, 1 से 10 पैकेट, तो कुल 34 पैकेट जब्त हुए हैं और 17.5 किलोग्राम मात्रा है, 3,48,00,000 रुपये इसकी वैल्यू है। ये कहाँ से लेके आते हैं वो हमें ज्ञान है, हम अभी ऊपर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेचना का विषय, कई बार अलर्ट हो जाते हैं आगे के लोग कहाँ ये डिलीवर करने जाते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स मिले हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।